हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल डीके स्टडी पॉइंट। आज हम करेंगे चैप्टर 5 जो बेसिकली गांधी जी के ऊपर है, जिसका नाम है इंडिगो। उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने से पहले मैं आपके लिए दो एमसीक्यूज लाया हूँ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने ढूंढा है फिर देखा पेपर्स में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले कुछ भी करने से पहले दोस्तों आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि पहले क्वेश्चंस को समझें कि क्वेश्चंस हमसे पूछ क्या रहा है और हमें जवाब क्या देना है। स्ट्राइक आउट वर्ड इज नॉट ट्रू। यहाँ पे एक हमने वर्ड पकड़ लिया, नॉट ट्रू मतलब गलत बताना है। ठीक, पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। राजकुमार शुक्ला वाज, राजकुमार क्या था क्या नहीं था? नॉट ट्रू। अ शेयर ड्रॉपर, अ पॉलिटिशियंस, डेलीगेट, अ लैंडलॉर्ड। तो आप इन चारों में से बताइए राजकुमार शुक्ला कौन नहीं था। वो एक पॉलिटिशियन नहीं था, शेयर क्रॉपर भी था, डेलीगेट भी था और लैंडलॉर्ड भी, छोटी मोटी चीजों का। क्वेश्चन 2 देख लेते हैं। राजकुमार शुक्ला वाज नॉट ट्रू, नहीं था, क्या नहीं था? एक तो दोस्तों वो तो पुअर था, गरीब था, जब गांधी जी के पास आया था इंसाफ मांगने के लिए ब्रिटिशर्स से। पढ़ा लिखा भी नहीं था, पढ़ा लिखा था सॉरी, वो फिजिकली स्ट्रोंग नहीं था। अगर वो फिजिकली स्ट्रोंग होता तो ब्रिटिशर से वो खुद ही अपना शेयर क्रॉप जो परसेंटेज बनना था वो मांग लेता, तो उसे गांधी जी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो फिजिकली स्ट्रोंग नहीं था और गांधी जी फिजिकली बहुत स्ट्रोंग थे। अगर आपने गांधी जी के बारे में पढ़ा हो तो गांधीयन एरा, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फिजिकली स्ट्रोंग। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दोस्तों सेकंड क्वेश्चन हमारा ये रहा, व्हाई इज राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब एज बीइंग रेसोल्यूट। सॉरी, रेसोल्यूट का मीनिंग होता है दृढ़, मींस स्थिर, जो वही हिलाने से नहीं हिल रहा उसे कहते हैं रेसोल्यूट। और शुक्ला, राजकुमार शुक्ला भी ऐसे थे, बिल्कुल गांधी जी का पीछे नहीं छोड़ा उन्होंने। और चाहे वो चंपारण गए पहले, उसके बाद गांधी जी वहाँ नहीं मिले, उन्होंने कहा फिर लखनऊ आओ, लखनऊ चले गए। फिर शुक्ला जी गांधी जी का पीछा करते करते कहाँ चले गए? आश्रम, जो कहाँ था? अहमदाबाद में। फिर कई हफ्ते बाद गांधी जी ने उन्हें मैसेज दिया, उन्हें पता चला कि एक ऐसे ऐसे शेयर क्रॉप्स का मांजरा है, ब्रिटिश सरकार से उन्हें वो दिलवाना है शेयर क्रॉप्स, उसका परसेंट दिलवाना है, 25% लिखा है शायद बुक्स में, मेरे को तो ध्यान नहीं। तो फिर गांधी जी ने उन्हें बताया, राजकुमार शुक्ला को कहा कि आप मुझसे कहाँ मिलिए? कलकत्ता में। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन, आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा एक लास्ट क्वेश्चन जो है, व्हाई डिड गांधी जी एग्री टू अ सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर्स। गांधी जी 25% पे ही क्यों मान गए थे? उन्हें तो 50% पे मानना चाहिए था, क्योंकि फार्मर्स इतने गरीब थे और उनकी डिमांड ही 50% थी, बट गांधी जी ने 25% पे मान गए। इसका मेन रीजन क्या था कि जो ब्रिटिशर्स थे और लैंडलॉर्ड थे वो बहुत प्रेस्टीजियस थे उस टाइम के, उनके अंदर बहुत एटीट्यूड था और घमंड था। तो गांधी जी ने कहा कि मुझे पता है कि 25% कम है, बट ये चीज तो ठीक है कि हम पहली जीत तो हम जीत ही रहे, नहीं तो ये ब्रिटिशर्स तो हमें 2% भी ना दें इसका। तो उन्होंने इस चीज को सोचते हुए उनसे डील करी ब्रिटिशर्स से और वहां के लैंडलॉर्ड से कि ठीक है आप हमको 25% दे दीजिए, हम इससे ओके, दैट्स ओके। तो वहां के जो ब्रिटिशर्स थे या लैंडलॉर्ड थे उन्हें रिफंड करवाया, उन्हें उन्होंने रिफंड दे दिया फार्मर्स को, और फार्मर्स भी ऐसे खुश हो गए और ये सेटलमेंट हो गया 25% पे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस अपडेट फ्रॉम डीके स्टडी पॉइंट, एंड बाय बाय।